नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बेस्ट सेलिंग बुक यू कैन हील योर लाइफ की समरी के बारे में, जिसे लिखा है एक अमेरिकी प्रेरक लेखिका और हे हाउस के संस्थापक लुईस हे ने। इस पुस्तक में लुईस हमें समझा रहे हैं कि हमारे सीमित विचार, विश्वास और नकारात्मक भावनाएं हमें कैसे प्रभावित करती है और यह हमारी शारीरिक बीमारियों से कैसे जुड़ी हुई है, और हमारे यही विचार हमें मन और शरीर के बीच संबंधों की अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। इस वीडियो के बाकी सभी पार्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2, व्हाट इज द प्रॉब्लम, समस्या क्या है। अपने भीतर झांकना बेहतर होगा। इस किताब की लेखिका लुईस हे एक आध्यात्मिक उपचारक थी जो लोगों की समस्याओं का समाधान करती थी। लेखिका के पास बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। मैं आपको बताऊंगा कि लोग लेखिका के पास किस तरह की समस्या लेकर आते थे। शारीरिक समस्याएं। बहुत से लोग लेखिका के पास अपनी शारीरिक समस्याएं लेकर आते थे और कहते थे उनके शरीर में दर्द होता है, खून आता है, जलन होती है, सूजन है, बुढ़ापा, देखने में परेशानी, सुनने में परेशानी और कई तरह की परेशानी। इसके साथ साथ अपनी बनाई हुई अन्य समस्याएं भी उन्हें बताते थे। लेखिका कहती हैं कि लोगों की जो भी शारीरिक समस्याएं थी वह उन्होंने खुद ही अपने सोच और भावनाओं से पैदा की थी। खराब रिश्तों की समस्याएं। लोग कहते थे कि उनके रिश्ते खराब हो रहे हैं और दूसरे लोग उन्हें समर्थन नहीं देते, हमेशा आलोचना करते हैं, उनके परिवार के सदस्य उनकी कोई बात नहीं मानते और किसी भी बात में उनका साथ नहीं देते, किसी काम के नहीं हैं, बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, प्यार नहीं करते, कभी मेरी बात नहीं सुनते। इसके अलावा और भी कई बातें। आर्थिक समस्याएं। लोग कहते थे कि उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आर्थिक स्थिति बेकार है, उनके पास पैसे की कमी है, जितना भी पैसा आता है सारा खर्च हो जाता है, वे अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाते और उन्हें लगता है कि उन्हें बिजनेस में लाभ होने की जगह नुकसान हो रहा है। लोगों के जीवन की समस्याएं। लोग कहते थे कि वो जो करना चाहते हैं वह कर नहीं पाते, उनमें कोई काबिलियत नहीं है, किसी को खुश नहीं कर पाते, उनके पास खुद के लिए समय ही नहीं है, उनकी जरूरतों और इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, वह कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते, कोई इस बात की परवाह नहीं करता कि वह क्या कर रहे हैं, उनके सभी कामों में देरी होती है और उनका कोई काम पूरा नहीं होता। उन्होंने जीवन में बहुत कोशिश कर लिया लेकिन कोई भी तरकीब उनके काम नहीं आई। दोस्तों, लेखिका ने लोगों के जीवन की जितनी भी समस्याएं यहाँ बताई हैं, असल में वह सभी समस्याएं केवल आपकी सोच का परिणाम है। लोग खुद के लिए और दूसरों के लिए जो भावनाएं रखते हैं वही उनकी सभी समस्याओं का कारण है। खुद से प्यार करना। लेखिका कहती है कि किसी के जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उन सभी समस्याओं का समाधान प्रेम से किया जा सकता है। दोस्तों, आपको याद है अंतिम बार कब आपने खुद को शीशे में देखकर ये कहा था कि आप उस शख्स से बहुत प्यार करते हैं जो शीशे में दिख रहा है। प्रेम हमारी जिंदगी को खुशनुमा बना देता है लेकिन हम हमेशा इसे बाहर ही खोजते रहते हैं, जबकि इसका असीमित खजाना हमारे भीतर ही छुपा हुआ है। सबसे पहले खुद से प्रेम करना शुरू कीजिए। जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आपको अपने शरीर में बहुत से परिवर्तन देखने को मिलेंगे और आपके आत्मविश्वास में अकल्पनीय वृद्धि होगी। रोज शीशे में देखिए और खुद से कहिए कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हें हर वो चीज लेकर दूंगा जो तुम्हें चाहिए। खुद से कहिए मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ क्योंकि तुम ही हो जो हर सुख दुख में मेरे साथ रहते हो, तुम्हारा ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। अगर आप खुद से प्रेम करना सीख जाएंगे तो आपका खुद पर पूरी तरह से नियंत्रण होगा। खुद से प्यार करने का मतलब यह नहीं कि आप खुद पर घमंड करने लगे। खुद से प्रेम करने का मतलब है अपना सम्मान करना, अपने जीवन का संपूर्ण आनंद लेना और हमेशा अपने मन में आनंद की भावनाओं को रखना। जब हम किसी भी अच्छी चीज को अपनी ओर आने से रोकते हैं तो उसका मतलब यह है कि हम खुद से प्रेम नहीं कर रहे। खुद का सम्मान न करना भी अपने जीवन में प्रेम की कमी होने का ही परिणाम है। खुद से प्रेम करना ही अपने जीवन की समस्याओं को खत्म करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। दिखने वाली समस्या शायद ही कभी असली समस्या होती है। आजकल लोगों को अक्सर ज्यादा वजन होने की समस्या होती है। वह ज्यादातर अपने आप को शीशे में देखते हैं और कहते हैं कि उनका वजन ज्यादा है, जो कि उनकी असली समस्या नहीं है। लोग अपना सारा ध्यान ज्यादा वजन पर केंद्रित करते हैं और अपने वजन को कम करने के लिए बहुत से तरीके अपनाते हैं। वजन कम करने के लिए लोग एक्सरसाइज करते हैं, खाना कम खाते हैं, अपने भोजन में कई तरह के बदलाव करते हैं और अपना सारा ध्यान वजन कम करने में लगाते हैं।
उनकी असली समस्या ज्यादा वजन नहीं है, क्योंकि यह उनकी आंतरिक समस्या का बाहरी परिणाम है। कुछ लोग अपने आप को शीशे में देखकर कहते हैं कि वह संपूर्ण नहीं है, और कुछ लोग खुद ही अपने आप में कमियां निकालते हैं और कहते हैं कि उनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। कई औरतें अपने आप को शीशे में देखती है और सुंदर दिखने के लिए कई तरह की चीजें अपने चेहरे पर लगाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना मेकअप के वो अधूरी है। उन्हें लगता है कि वो सुंदर नहीं है और उनके अंदर बहुत सी कमियां हैं। खुद की आलोचना करना और खुद से प्रेम ना करना ही उनकी सभी समस्याओं का कारण है। असली समस्या, जब लोग अपने आप में कमियां देखते हैं और अपनी आलोचना करते हैं तो वह खुद से प्रेम नहीं करते, जिसके कारण उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि वह बहुत दुबले हैं, मोटे हैं, आलसी हैं या बहुत बदसूरत हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिन्हें आप बहुत सुंदर समझते हैं वह भी अपने आप को सुंदर नहीं समझते, उन्हें भी अपनी सुंदरता में कमियां नजर आती हैं। कहने का मतलब यह है कि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि वह संपूर्ण नहीं है, वह उतने अच्छे नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए, और कई समस्याओं जैसे कि पैसे की कमी, रिश्तों का खराब होना, शरीर में बीमारियों का होना, नौकरी या बिजनेस का अच्छा ना चलना, सभी तरह की समस्याओं का कारण है खुद से प्रेम ना करना। अच्छी बात यह है कि खुद से प्रेम करके और खुद को स्वीकार करके इन सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। लुईस हे क्लियर करते हैं कि लाइफ में काफी सारी समस्याएं तो हमारे नकारात्मक आत्मविश्वास की वजह से पैदा होती है। मैं इस लायक नहीं हूँ, या मैं अच्छा या अच्छी नहीं हूँ। इस तरह की सोच और देखे जाए तो कुछ मेंटल डिजीज वाकई में इस मौलिक विश्वास की वजह से ही होती है। अब जैसे कि डिप्रेशन की समस्या, जैसा सबको पता है कि डिप्रेशन एक सीरियस मेंटल कंडीशन है जो लाइफ के हर पहलू को बुरी तरह प्रभावित करता है। करियर, सोशल लाइफ, हॉबीज, मोटिवेशन, सब कुछ इस डिप्रेशन से प्रभावित होते हैं। आज US में 15% जनसंख्या किसी न किसी रूप में डिप्रेशन डिसऑर्डर की शिकार है। मेंटल डिसऑर्डर के शिकार लोगों में खुद के प्रति सहानुभूति और सेल्फ केयर की बड़ी कमी होती है। ऐसे लोग खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। कई सारी साइकोलॉजिकल स्टडीज में प्रूव हुआ है कि डिप्रेसिव लोग हर फेलियर के लिए अपने आंतरिक विशेषताओं को जिम्मेदार समझते हैं, जबकि सफल होने पर वो सोचते हैं कि किसी खास वजह से उन्हें सफलता मिली है, जैसे कि मैं लकी था कि ये काम हो गया, या फिर ये काम तो बड़ा इजी था। चलो ऐसे बिहेवियर का एक टिपिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मार्क एक मॉडरेट डिप्रेशन का शिकार आदमी एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तैयारी के दौरान उसे अपने रिजल्ट को लेकर बड़ी नर्वसनेस और एंग्जाइटी होती थी, क्योंकि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ केयर की कमी है। वो पूरा रेस्ट भी नहीं लेता, जो उसकी हालत को और भी खराब कर रहे थे। और अंत में जब वो फेल हो गया तो उसने खुद से कहा, मुझे तो पहले ही पता था कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं इतना स्टूपिड हूं कि कभी पास हो ही नहीं सकता। दुख की बात तो ये है कि मार्क इस बात में वाकई बिलीव करता था कि वो स्टूपिड है। हालांकि वो बाकी चीजों को एकदम इग्नोर कर देता है, जैसे कि वो एग्जाम की तैयारी के चलते काफी अस्त व्यस्त और थका हुआ था, और इस वजह से पूरी तरह अपनी तैयारी में फोकस नहीं कर पाया। लेकिन मार्क अगर थोड़ा वास्तविक होता तो कुछ ऐसा बोलता, ओके, कभी कभी मैं नेगेटिव सोच लेता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं स्टूपिड हूँ या हमेशा गलत हूँ, मैं भी सही काम कर सकता हूँ। अब ये एक ज्यादा स्वस्थ, बुनियादी और यथार्थवादी विश्वास है। चैप्टर 3, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, यह कहाँ से आता है। अतीत का हम सब पर कोई अधिकार नहीं है। हम सब उम्र, परिपक्वता और शिक्षा के स्तर पर बदलते रहते हैं, लेकिन हम हमेशा आत्मा के स्तर पर परिपूर्ण व सुंदर होते हैं। हमारे प्रयासों के परिणाम हमेशा अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन हमारे पास मौजूद समझ, जागरूकता और ज्ञान के साथ हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे हम अधिक ज्ञान, समझ और जागरूकता प्राप्त करेंगे, हम चीजों को अलग तरीके से करेंगे। मानसिक शुद्धिकरण, अब अपने अतीत के बारे में थोड़ा और परखने की जरूरत है, ताकि हम उन सभी विश्वास पर नजर डाल सकें जो हमें चला रहे हैं। कुछ लोगों को सफाई प्रक्रिया का यह हिस्सा बहुत पीड़ादायक लगता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं। सफाई करने से पहले हमें देखना चाहिए कि अतीत में क्या है। यदि आप किसी कमरे को अच्छी तरह साफ करना चाहते हैं तो आप उसमें मौजूद हर चीज को उठा उठा कर देखेंगे। कुछ चीजों को आप प्यार से देखेंगे और उसकी सफाई करके तथा चमका कर उसे एक नया और सुंदर बनाएंगे। कुछ चीजों को फिर से नया रूप देने या मरम्मत की जरूरत होगी और आप उन्हें ध्यान में रख लेंगे। कुछ चीजें दोबारा कभी आपके काम नहीं आएंगी और उन चीजों को हटाना जरूरी हो जाता है।
पुरानी पत्रिकाओं और अखबार तथा गंदे पेपर प्लेटों को निश्चिंत होकर कचरे के डब्बे में डाला जा सकता है। एक कमरे की सफाई करने में क्रोधित होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही अपने मन मस्तिष्क के घर की सफाई करना है। केवल इसलिए क्रोधित होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके कुछ विश्वास खत्म करने योग्य हैं। उन्हें उतनी ही आसानी से जाने दें जितनी आसानी से आप भोजन करने के बाद बचे हुए टुकड़ों को कूड़ेदान में फेंक देते हैं। क्या आप आज का भोजन तैयार करने के लिए पिछले दिन के कूड़ेदान में हाथ डालेंगे? क्या आप आने वाले कल के अनुभव तैयार करने के लिए पुराने मानसिक कूड़े को कुरेदते हैं? अगर कोई विचार या विश्वास आपके काम नहीं आता तो उसे जाने दें। ऐसा कोई कानून नहीं है कि कभी आप जिस बात पर विश्वास करते थे उस पर हमेशा के लिए विश्वास बनाए रखना जरूरी है। दोस्तों, अब जब हमें पता है कि हमारी सभी समस्याओं का कारण खुद को संपूर्ण न देखना और खुद से प्रेम न करना है, तो आइए जानते हैं यह आया कहां से है। एक छोटा सा बच्चा अपनी और अपने जीवन की संपूर्णता को जानता है। वह खुद से प्रेम करता है, इसलिए उसे हर तरफ से प्रेम मिलता है। छोटे बच्चे के आसपास रहने वाले सभी लोग उससे प्रेम करते हैं क्योंकि वह अपनी संपूर्णता को जानता है। जब वह बच्चा बड़ा हो जाता है तो एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसके जीवन में बहुत सी समस्याएं होती हैं। वह खुद से प्यार नहीं करता और खुद को संपूर्ण नहीं समझता। जरा सोचिए, ऐसा क्या है जो एक छोटा बच्चा बड़ा होने पर इतना बदल जाता है? इसका कारण यह है कि जब एक छोटा बच्चा स्कूल जाने लगता है तो उसके माता पिता उससे कहते हैं कि उसे अपने क्लास या स्कूल में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने हैं। जब वह बड़ा होता है तो उसके माता पिता और आसपास के लोग ढेर सारी उम्मीदें रखते हैं जिन्हें वह पूरा नहीं कर पाता। उसके परिवार के सदस्य और आसपास के लोग उसे बताते हैं कि वह पढ़ाई ठीक से नहीं करता, वह अच्छे मार्क्स नहीं लाता, वह मोटा या पतला है और उसकी कमियां बताते हैं। लोग जो भी बताते हैं, बच्चा उन सभी बातों को मान लेता है कि उसमें बहुत सी कमियां हैं और वह संपूर्ण नहीं है। यहीं से उसकी सभी समस्याओं की शुरुआत होती है। जब वह अपने अंदर कमियां देखना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगता है या बढ़ जाता है। वह एक व्यक्ति की उम्मीदें पूरी करता है और दूसरे की नहीं कर पाता। वह अपने माता पिता और आसपास के लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। यहीं से उसे विश्वास होता है कि वह संपूर्ण नहीं है और वह हमेशा दूसरों को संतुष्ट करने में लगा रहता है और खुद से प्रेम करना छोड़ देता है। लोगों के बहुत से विचार होते हैं जो उन्हें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते और जो उनकी सभी समस्याओं का कारण होते हैं। उनके यह विश्वास बचपन से ही बन जाते हैं और हमेशा उनके लिए समस्याएं पैदा करते रहते हैं। लुईस हे कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत गुस्सेल है या बिगड़ा हुआ है या तुनक मिजाज है तो ऐसा काफी हद तक संभव है कि उसने अपने बचपन में अपने घर में खराब माहौल पाया हो। बच्चे अपने माता पिता की प्रतिछाया होते हैं, तो अगर आप माता पिता हैं तो आपको अपने व्यवहार को परखना चाहिए और उसका मूल्यांकन करना चाहिए। मसलन, अगर आप घर में आपस में लड़ते हैं तो इसकी बहुत संभावना है कि आपकी संतानें गुस्सेल और बहुत मतलबी होगी। अगर आपके घर में हमेशा निराशा और दुख का माहौल बना रहता है तो आपकी संतानें मानसिक रूप से बहुत कमजोर होगी और उनमें आत्मविश्वास की बहुत कमी होगी। एक अभिभावक के तौर पर अगर आप एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो आपकी संतानें कभी किसी का सम्मान नहीं कर पाएंगी। ठीक इसी तरह अगर कोई आपके साथ कुछ गलत व्यवहार करता है तो आपको उसे क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसने ये सब अपने माता पिता से पाया हो और वही वो बाकी दुनिया को लौटा रहा हो। तो लोगों के साथ सहानुभूति रखिए। एक अभिभावक के तौर पर अपने घर पर अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते रहिए। अपने आप को एक बालक के रूप में देखना। यदि हम 3 वर्ष के एक बच्चे को लें और उसे एक कमरे में डाल दें, फिर आप और मैं उस बच्चे पर चिल्लाना शुरू कर दें और उससे कहें कि वह कितना बेवकूफ है, वह किसी भी काम को ठीक से नहीं कर सकता, कैसे उसे यह करना चाहिए और वह नहीं करना चाहिए, उसके द्वारा की गई अफरा तफरी पर नजर डालें, साथ ही उसे 1-2 थप्पड़ लगा दें, तो आखिरकार हमारे सामने एक डरा हुआ छोटा सा बच्चा होगा जो चुपचाप एक कोने में बैठा होगा या जो उस जगह को अस्त व्यस्त कर देगा। बच्चा इन दोनों में से एक तरीका अपनाएगा, लेकिन हम उस बच्चे की क्षमता को कभी नहीं जान पाएंगे। अगर हम उसी छोटे बच्चे को ले जाएं और उससे कहें कि हम उसे कितना प्यार करते हैं, हम उसकी कितनी परवाह करते हैं, कि वह कितना अच्छा लगता है और वह कितना तेज और होशियार है, कि वह जिस तरीके से काम करता है वह हमें बहुत अच्छा लगता है और वह गलतियां कर सकता है क्योंकि गलतियों से वह सीखता है, और चाहे जो कुछ भी हो जाए हम हमेशा उसके साथ हैं, फिर उस बच्चे की क्षमता को देखकर आप दंग रह जाएंगे। हम में से हर किसी के अंदर 3 वर्ष का एक बच्चा है और हम अपना अधिकांश समय
अपने भीतर उस बच्चे पर चिल्लाते हुए बिताते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमारा जीवन इतना दुखी क्यों है। अगर आपका कोई मित्र था जो हमेशा आपकी आलोचना करता था, तो क्या आप उस व्यक्ति के आसपास रहना चाहेंगे? शायद आपके साथ बचपन में ऐसा व्यवहार किया गया था और यह दुख की बात है। हालांकि यह काफी पहले की बात है, और यदि आप अब अपने साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहते हैं तो यह और भी अधिक दुख की बात है। दोस्तों, तो अब हमारे सामने नकारात्मक संदेशों की एक सूची है जो हमने एक बालक के रूप में सुना था। यह सूची आपके अनुसार आपके अंदर मौजूद कमियों की सूची से किस तरह मेल खाती है? क्या वे लगभग समान है? शायद हाँ। हमारे जीवन की कहानी अपने शुरुआती संदेशों पर आधारित है। हम सभी अच्छे और छोटे बच्चे होते हैं और अत्यंत आज्ञापूर्वक उन सभी बातों को स्वीकार कर लेते हैं जो वे हमें सच्चाई के रूप में बताते हैं। अपने माता पिता को दोषी ठहराना और अपने जीवन का बाकी समय एक पीड़ित के रूप में बिताना हमारे लिए बहुत आसान होगा, लेकिन यह कोई अच्छी बात नहीं होगी और निश्चित रूप से यह हमें इन बंदिशों से नहीं निकालेगी। लेखिका कहती है कि दोष देना किसी समस्या में फंसे रहने का एक निश्चित तरीका है। दूसरों को दोषी ठहराने में हम अपनी शक्ति बर्बाद करते हैं। समझदारी हमें उस समस्या से ऊपर उठने और अपने भविष्य को नियंत्रित करने में मदद करती है। अतीत को बदला नहीं जा सकता, भविष्य हमारी वर्तमान सोच से आकार लेता है। हमारी आज़ादी के लिए यह समझना अनिवार्य है कि हमारे माता पिता के पास जो समझ, जागरूकता और ज्ञान था, उसके साथ वे अपने हिसाब से श्रेष्ठ काम कर रहे थे। जब हम किसी और को दोषी ठहराते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे होते। जिन लोगों ने हमारे साथ वो सब गलत किया, वे वैसे ही डरे हुए थे और आशंकित थे जितने आप हैं। वे उतना ही असहाय महसूस करते थे जितना आज आप करते हैं। वो आपको उतना ही सिखा सकते थे जितना उन्हें सिखाया गया था। आप अपने माता पिता के बचपन के बारे में, खासकर 10 वर्ष की आयु से पहले उनके बचपन के बारे में कितना जानते हैं? यदि अब भी आपके लिए यह पता लगाना संभव है तो उनसे पूछिए। यदि आप अपने माता पिता के बचपन के बारे में पता कर पाते हैं तो आप और अधिक आसानी से समझ पाएंगे कि उन्होंने जो किया है वह क्यों किया। यह समझ आपके अंदर संवेदना उत्पन्न करेगी। यदि आपको इस बारे में पता नहीं है और पता नहीं कर सकते, तो कल्पना करने का प्रयास करें कि उनका बचपन कैसा रहा होगा। किस प्रकार का बचपन उनके जैसा वयस्क तैयार कर सकता है? आपकी अपनी आजादी के लिए इस ज्ञान की जरूरत है। हम लोगों को इसीलिए दोष देते हैं क्योंकि वह हमारे साथ कुछ गलत करते हैं। वे ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि वे भी हमारी तरह ही अपने जीवन की समस्याओं से डरते हैं। वे भी हमारी तरह ही अपने जीवन से दुखी हैं। वे आपको केवल वही चीजें सिखाते हैं जो उन्होंने खुद सीखी है। इसीलिए वे आपको दोष देते हैं और आप उन्हें दोष देते हैं। जिन लोगों ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, वे भी उतने ही डरे हुए थे जितने आप डरे हुए हैं। वह मजबूर थे, उन्हें कई चीजें सिखाई गई हैं। समझ करुणा लाती है। जब तक आप दूसरों को क्षमा नहीं करते, तब तक आप स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते। यदि आप उनसे संपूर्णता की मांग करते हैं तो वे भी आपसे वही मांग करेंगे और आप जीवन भर दुखी रहेंगे। हम सभी अपनी प्रारंभिक सीमाओं को, चाहे वे कुछ भी हों, पार करने और उससे आगे बढ़ने के लिए यहाँ हैं। हम यहाँ अपनी भव्यता और दिव्यता को पहचानने के लिए आए हैं। हम सभी को अपनी अपनी मान्यताओं पर काबू पाना है। इसीलिए आपको अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए दूसरों को माफ करना होगा। अगर आप दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो खुद को भी माफ नहीं कर पाएंगे। दूसरों की बात सुनना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके माता पिता, आपके परिवार के लोग और आपके शिक्षक बचपन में जो आपसे कहते हैं, उनका आपके जीवन पर कितना गहरा असर होता है? जब आपके बड़े भाई बहन बचपन में आपसे कहते हैं कि आप उनके साथ खेलने के लिए अभी बहुत छोटे हैं, तो आप में तभी से हीन भावना पैदा हो जाती है। जब एग्जाम में आपके कम मार्क्स आते हैं तो आप अपनी काबिलियत का अनुमान लगाते हैं। कम मार्क्स आने पर आप अपने आप को बहुत बड़ा करने के काबिल नहीं समझते और यही विचार आपका विश्वास बन जाता है। जब आप बचपन में किसी डांस प्रोग्राम में या अपने पसंद के किसी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं तो आपके माता पिता आपसे कहते हैं कि आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे। आस पड़ोस के लोगों की वजह से आप अपनी मनपसंद काम को करना छोड़ देते हैं। बड़े होने पर आप किसी ऐसे करियर को चुन लेते हैं जिसमें आपकी जरा भी दिलचस्पी नहीं होती। लोगों की बातें सुनकर उन पर अमल करने से आपके मन में कई तरह के निगेटिव विचार आते हैं जो समय के साथ आपका अटूट विश्वास बन जाते हैं। ऐसा करने से आप अपने आप को कुछ भी अच्छा करने के काबिल नहीं समझते। बचपन के यही निगेटिव विचार आपके लिए जीवन भर समस्याएं पैदा करते रहते हैं और आप एक दुख भरा जीवन जीते हैं। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं
तो आपको अपने बचपन के इन विचारों को बदलना होगा। दोस्तों, अगर आप इस अध्याय को अच्छे से समझकर आत्मसात कर लिया है तो आइए कुछ बातों को दिल से दोहराते हैं। अतीत का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं सीखने और बदलने को तैयार हूँ। मैं आज जहाँ भी हूँ वहाँ लाने के लिए अतीत को आवश्यक मानता हूँ। मैं मानसिक घर के कमरों की सफाई के लिए वहीं से शुरुआत करने को तैयार हूँ जहाँ मैं अभी हूँ। मैं जानता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ से शुरू करता हूँ। इसीलिए अब मैं सबसे छोटे और सबसे आसान कमरों से शुरुआत करता हूँ और इस तरह मुझे परिणाम जल्दी दिखाई देंगे। मैं इस साहसिक कार्य के बीच में आकर रोमांचित हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं इस विशेष अनुभव से दोबारा कभी नहीं गुजरूंगा। मैं खुद को आजाद करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं लुईस हे द्वारा लिखी बुक यू कैन हील योर लाइफ की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ अवश्य शेयर करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।